कहा जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों से बात की। इस दौरान उन्होंने मौजूदा कोरोना महामारी को लेकर प्रधानों की अहम भूमिका के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री के इस संवाद कार्यक्रम में 58,176 ग्राम प्रधान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गांव के विकास को लेकर बजट के सही प्रयोग की बात कही। इस दौरान प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी। ये पूरा कार्यक्रम वर्चुअल आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र वित्त की ओर से ग्राम पंचायतों में काफी बजट भेजा जा रहा है। राज्य वित्त का भी बजट मिलाकर करीब 10,000 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों में पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा है कि गांव में एक ही जगह से सारी गतिविधियां संचालित हो। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि बहुत से ग्राम प्रधानों ने बगैर शपथ ग्रहण की औपचारिकता के प्रतीक्षा किए परिणाम के तत्काल बाद निगरानी समितियों के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि पिछले दिनों में सहारनपुर गया था, वहां मैंने देखा कि एक महिला प्रधान कोरोना मरीजों को अपने घर से भोजन उपलब्ध करा रही थी, उनके रहने के लिए ग्राम पंचायत भवन का उपयोग किया। ऐसे अनेक प्रेरणास्पद कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और जनता के सहयोग के कारण ही आज यह स्थिति है कि जिस प्रदेश के बारे में विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि मई में यहाँ एक दिन में 1,00,000 केस आएंगे, वहाँ आज कुल मरीजों की संख्या 52,000 है। बीते 24 घंटों में यहाँ मात्रा में 2,402 नए कोरोना मरीज पाए गए। हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है तो पॉजिटिविटी दर तेजी से नीचे आ रही है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना का हम सभी पर बहुत असर पड़ा है, हमारी प्राथमिकता जीवन और जीविका दोनों को बचाना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी के भरण पोषण की व्यवस्था कर रही है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से जून और जुलाई में निशुल्क राशन दिया जा रहा है, तो राज्य सरकार जून जुलाई और अगस्त में राशन वितरण करेगी। ग्राम प्रधानगण यह सुनिश्चित कराए कि एक भी पात्र व्यक्ति राशन से वंचित न रहे, कहीं भी घटतौली न हो, सभी दुकानों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो। सीएम योगी ने जोर देते हुए कहा कि अब आप सभी ग्राम प्रधान हैं, इसलिए जिसने भी आपको वोट दिया है उसको भी और जिसने आपको वोट नहीं दिया उसको भी, सभी को एक बराबर माने। हर पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएं। शौचालय नहीं है तो शौचालय बनवाएं, आवास नहीं है तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाएं, पेंशन योजनाओं से जोड़े, गरीब है तो 5,00,000 तक की चिकित्सीय सुविधा वाला आयुष्मान कार्ड बनवाएं। यह सब आपकी ही जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों से कहा कि अपने गांव को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए सभी जरूरी कोशिशें करें। एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, विद्यालय हो, खेल का मैदान हो, चिकित्सालय हो, सड़क हो, स्वच्छता हो, धन की कोई कमी ना हो। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय का निर्माण तेजी से पूरा कराएं। वहां इंटरनेट हो, बैंकिंग सखी की बैठने की व्यवस्था हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, या सब कराएं। कोई आवश्यकता हो तो शासन से सब मदद मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि बरसात का मौसम प्रारंभ होने वाला है, यह बीमारियों का वाहक भी है। इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जैसी जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों से अपने गांव को सुरक्षित रखें। इसके लिए सबसे जरूरी है कि दिन में स्वच्छता, दोपहर में सैनिटाइजेशन और शाम होते ही फॉगिंग जरूर कराएं। हर रोज ना सही पर 2 दिन के अंतराल पर यह कार्य जरूर हो। नालियों का बहाव हो, जल जमाव ना हो, यह ध्यान रखें। स्वास्थ्य विभाग गाँव में बाद में पहुंचेगा, इन सब की पहली जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की।